हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू इक्लिप्स क्लासेस। इन टुडे सेशन एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज कॉकरोच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉकरोच। ओके, तो कॉकरोच है, तो ये कॉकरोच पहले ये किस किंगडम का होना चाहिए बताइए? किंगडम प्लांटी का होना चाहिए कि एनिमलिया का होना चाहिए? किसका होना चाहिए? ये किंगडम एनिमेलिया का होगा। ओके, फिर इसके बाद ये इसका फाइलम क्या है? इसका फाइलम है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जिनमें जॉइंट अपेंडेजेज होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। ओके, फिर इसका क्लास क्या है? इंसेक्टा। ऑर्डर ब्लटोडी। इसका जीनस पेरीप्लेनेटा। स्पीसीज अमेरिकाना। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉमन कॉकरोच है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? इसका बायोलॉजिकल नेम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ओके, तो अब हम दो कॉकरोच का स्पीसीज के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है हमारा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना और सेकंड क्या है? ब्लेटा ओरिएंटेलिस। ये डायग्राम हम देखें तो ये किसका डायग्राम है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का है और दूसरा किसका है? ब्लेटा ओरिएंटेलिस का है। तो दोनों के बारे में हम अभी डिफरेंस देखेंगे। तो इट इज़ लाइटर इन कलर और ये ब्लेटा ओरिएंटेलिस कैसा है? डार्कर इन कलर है। तो हम स्ट्रक्चर में भी डायग्राम में भी देखें तो क्या है? ये कैसा कलर का है? ये थोड़ा लाइटर कलर का और ये कैसा कलर का है? ये डार्कर कलर में। ठीक है, तो ये हम देख पा रहे हैं। और इट इज़ अबाउट 38 मिलीमीटर लॉन्ग और इट इज़ अबाउट 25 मिलीमीटर लॉन्ग। तो ये हमारा पेरीप्लेनेटा ओरिएंट अमेरिकाना होता है, ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ब्लेटा ओरिएंटेलिस विच इज़ 25 मिलीमीटर इन लॉन्ग। ओके, फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है विंग्स आर प्रेजेंट इन बोथ द सेक्सेस। इसमें जो विंग्स हैं बोथ सेक्स में प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल, एंड एक्सटेंडेड बियॉन्ड द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। और जो विंग्स होते हैं पोस्टीरियर एंड तक फैले हुए होते हैं। ठीक, और ब्लेटा ओरिएंटेलिस में विंग्स आर रूडिमेंट्री इन द फीमेल, मतलब कि फीमेल में जो इनका विंग्स है अंडर डेवलप्ड होते हैं, डेवलप्ड नहीं होते हैं, एंड डू नॉट रीच द हाइंड एंड ऑफ द बॉडी इन मेल। और मेल में प्रेजेंट भी होते हैं तो हाइंड एंड तक वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बीच में कहीं विंग्स खत्म हो जाता है। आया बात समझ में? फिर हम स्टडी करेंगे अब जनरल फीचर्स ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का जनरल फीचर क्या क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल। कॉकरोच कैसे होते हैं हमारे? ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल होते हैं। ओके, ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर्ड कॉकरोच हैव आल्सो रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में ब्राइट येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के भी कॉकरोच पाए गए हैं। ठीक बात। फिर है थर्ड पॉइंट, द रेंज फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। इनका रेंज कितना होता है? ये 1/4 इंच टू 3 इंच के ये होते हैं। ओके, 0.5 टू 7.6 सेंटीमीटर, एंड हैव अ लॉन्ग एंटीना। और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? लॉन्ग एंटीना प्रेजेंट होता है, लेग्स एंड द फ्लैट एक्सटेंशन। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? लेग्स प्रेजेंट होता है। ठीक, और फ्लैट एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है ऑफ अपर बॉडी वॉल डेट कंसील हेड। और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? अपर बॉडी जो फ्लैटेड एक्सटेंशन है और इससे क्या निकला होता है? एक हेड प्रेजेंट होता है। ओके, दे आर नॉक्टुरल ओमनिवोरस डेट लिव इन अ डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? नॉक्टुरल होते हैं। नॉक्टुरल मीन्स कि दे आर एक्टिव एट नाइट। और ओमनिवोरस होता है मतलब ये सब कुछ खाते हैं, प्लांट भी खाएंगे और एनिमल को भी खाते हैं। डेट लिव इन अ डैम्प प्लेसेस और थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, दे बिकम रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दज आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ वायरल डिजीजेज। ठीक है, ये हमारे घरों में पाए जाते हैं और ये घर में रहते हैं तो ये पेस्ट का ही पेस्ट ही होते हैं एक तरह से पेस्ट। और ये क्या करते हैं? बहुत सारे वायरल डिजीजेज का वेक्टर है, मतलब कि ह्यूमन्स में ये डिजीजेज फैलाते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी क्या होता है? मोर्फोलॉजी मीन्स स्टडिंग ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो हम अभी कॉकरोच का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना अबाउट 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये कितना इनका साइज होता है? 34 टू 53 मिलीमीटर होते हैं, लॉन्ग विथ विंग्स डेट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल। ठीक है, और ये एब्डोमेन यहाँ तक है।
तो इनमें जो मेल में विंग्स प्रेजेंट होते हैं वह कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमेन तक, ठीक। इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इनका बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट हेड रीजन, फिर है थोरेक्स रीजन और थर्ड है एब्डोमेन रीजन, ठीक। इंटायर बॉडी कवर्ड बाय अ हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, और इनका जो बॉडी होता है हार्ड काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होता है, ब्राउन इन कलर, जो कि ब्राउन कलर का होता है। आया बात समझ में? फिर एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइटिस, ठीक है। और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैसा हार्ड प्लेट को, हार्ड प्लेट उसमें होता है, और जो कि वो क्या कहलाता है, स्क्लेराइट्स कहलाता है। डेट आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाई अ थिन फ्लेक्सिबल एट्रिकुलर मेम्ब्रेन, जो कि वो आपस में कैसे जुड़ा होता है, थिन एंड फ्लेक्सिबल एट्रिकुलर मेम्ब्रेन से वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अभी हम मॉर्फोलॉजी देख लिए, अब इनके बारे में हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे, ओके। तो जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में ये हमारा कौन सा रीजन है, ये हेड रीजन है, ये कौन सा रीजन है, थॉरिक्स रीजन है, और ये हमारा कौन सा रीजन है, एब्डोमेन रीजन है, ठीक। तो और इसका जो हेड होता है, हेड क्या क्या बियर करता है, हेड में कंपाउंड आई है और क्या है, ये एंटीना है। और ये जो हमारा थॉरेक्स होता है, थॉरेक्स तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, ये प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और ये मेटाथॉरेक्स। और प्रोथॉरेक्स को और क्या बोलते हैं, प्रोनोटम भी बोलते हैं। और इन तीनों पेयर से एक एक लेग्स निकलता है, जो प्रोथोरेक्स से निकलता है वो क्या होता है, प्रोथोरेसिक लेग होता है। मेजोथोरेक्स से जो निकलता है मेजोथोरेसिक लेग होता है, और जो मेटाथोरेक्स से निकलता है वो मेटाथोरेसिक लेग होता है, ओके। अब ये इनके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे हेड के बारे में। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। तो हमारा ये हेड कैसा होता है, ये हेड देख पा रहे हैं, ये हेड हमारा कैसा है, ये थोड़ा ये ट्रायंगुलर शेप का, ये ट्रायंगुलर शेप का हेड दिखाई दे रहा है, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप का हेड होता है। एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, और लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस क्या, ये राइट एंगल पे प्रेजेंट होता है, ठीक। फिर इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सिक्स सिगमेंट्स एंड सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल लेग। और इनका जो हेड होता है कैसे बना हुआ होता है, सिक्स सिगमेंट्स को फ्यूज्ड होके, ठीक है। और एंड सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, और इनका जो नेक होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, उसके वजह से ये ऑल डायरेक्शंस में ये मोबिलिटी शो करते हैं, ठीक। हेड कैप्सूल्स बियर अ कंपाउंड आई, और इनका जो हेड होता है, ये हेड पे क्या प्रेजेंट होता है, कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है, और कंपाउंड आई क्या होता है हम आगे देखेंगे, ओके। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइजेज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आई, ठीक है। और इनके आई के फ्रंट से क्या निकलता है, एंटीना निकलता है, ठीक। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर डेट हेल्प इन मोनिटरिंग द एनवायरमेंट, तो और इनका जो एंटीना होता है वो क्या बियर करता है, सेंसरी रिसेप्टर को बियर करता है, जो कि क्या करता है, एनवायरमेंट को मोनिटरिंग करने में, मतलब कि इवेलुएट करने में हेल्प करता है, ओके। एंटीरियर इंड ऑफ द हेड बियर अपेंडिसेस, जो इसका एंटीरियर इंड होता है हेड का, जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या अपेंडिसेस बियर करता है, फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, जो क्या बनाता है, बाइटिंग और चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट को बनाता है, ठीक है। और माउथ पार्ट क्या क्या होता है, माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, लेब्रम क्या होता है, अपर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, अ पेयर ऑफ मैगजिला एंड अ लेबियम, जो कि क्या होता है, लोअर लिप होता है। और हमारा हेड के चार चीज़ को कंसिस्ट करता है, सॉरी माउथ पार्ट की चार चीज़ को कंसिस्ट करता है, फर्स्ट है लेब्रम, लेब्रम क्या करता है, अपर लिप को बनाता है, और लेबियम क्या करता है, लोअर लिप को बनाता है। ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए कि लेब्रम क्या बनाता है, अपर लिप, और लेबियम क्या बनाता है, लोअर लिप। और पेयर ऑफ मैंडिबल प्रेजेंट होता है, जो कि किस काम में आता है, ये ग्राइंडिंग का काम में आता है, ठीक है, फूड पार्टिकल को ग्राइंड करता है। और क्या क्या होता है इसमें, और एक पेयर मैगजिला प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? और आगे देखते हैं, अ मेडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग लाइज विद इन द कैविटी ऑफ इंक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट, और माउथ पार्ट के अंदर बीच में मीडियली क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लेक्सिबल लोब प्रेजेंट होता है। वो कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ टंग, मतलब कि
टंग की तरह काम करता है, जो कि क्या कहलाता है इनमें कॉकरोच में, ये हाइपोफेरिंग्स कहलाता है। आई बात समझ में, हाइपोफेरिंग्स कहलाता है ये, ठीक है। और हम अब हेड के बारे में स्टडी कर लिए, अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है, ठीक। तो हेड रीजन ऑफ कॉकरोच है हमारा, ये हेड रीजन में पहले क्या है हमारा, जो हम देखे थे क्या प्रेजेंट होता है, डोर्सली प्रेजेंट होता है हमारा आई, और इसके फ्रंट से क्या निकलता है, एंटीना। एंटीना क्या करता है, एंटीना एनवायरनमेंट को मॉनिटरिंग करने में काम करता है, इसमें सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और इसके बाद नीचे एंटीरियरली क्या कंसिस्ट करता है, ये माउथ पार्ट को। माउथ पार्ट किस किस चीज़ से बने होते हैं, पेयर ऑफ मैगजिला से, पेयर ऑफ मैंडिबल से, लेब्रम से और लिबियम से। और लेब्रम क्या होता है, अपर लिप, लिबियम क्या होता है, लोअर लिप। और स्ट्रक्चर देखें लेब्रम का, तो लेब्रम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, और ये क्या बनाता है, अपर लिप। और लिबियम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, और ये क्या बनाता है, लोअर लिप। और इससे ये क्या कनेक्टेड होता है हमारा, ये क्या है हमारा, मैगजिला, ये वन पेयर मैगजिला, और ये मैंडिबल, वन पेयर मैंडिबल प्रेजेंट है। और मैंडिबल क्या काम में आता है, ग्राइंडिंग और इनसीजन का काम करता है, ये काटने का और कतरने का काम करता है, ठीक है। तब हेड रीजन अब स्टडी कर लिए, अब हम स्टडी करेंगे थोरेक्स रीजन को, ओके। थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। जैसा कि मैं पहले कॉकरोच के स्ट्रक्चर में बताया कि जो थोरेक्स होता है तीन रीजन में डिवाइडेड होता है, कौन कौन सा, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। इसके स्ट्रक्चर देखें तो ये हेड रीजन है हमारा, हेड रीजन किसमें किसमें है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। इसके नीचे क्या है, एब्डोमेन है, ऊपर क्या है, हेड है। आया बात समझ में, फिर हेड इज कनेक्टेड विथ थोरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स नॉन एज द नेक। ये स्ट्रक्चर में देखे तो ऊपर क्या प्रेजेंट था, प्रोथोरेक्स, फिर मेजोथोरेक्स, फिर मेटाथोरेक्स, और प्रोथोरेक्स के ऊपर क्या कनेक्टेड था हमारा, हेड कनेक्टेड था, ओके। तो ये हेड जो था हमारा, ये किससे कनेक्टेड है, प्रोथोरेक्स का थोड़ा सा एक्सटेंड पार्ट से, और ये एक्सटेंड पार्ट प्रोथोरेक्स का क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है नेक। और हम स्टडी किए थे नेक किस कॉकरोच में कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल होता है, ओके। अ पेयर ऑफ विंग अराइजेज फ्रॉम द, सॉरी, ये इच थोरेसिक सिगमेंट्स बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, ठीक है। ये जो जितने ये होते हैं, ये प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, ये क्या करते हैं, एक एक पेयर लेग्स को इनमें एक एक पेयर लेग होता है, जो कि प्रोथोरेक्स है, प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग। टोटल कितना लेग, टोटल सिक्स लेग, थ्री पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होता है कॉकरोच में, ठीक है। और थोरेसिक रीजन से निकलता है, एक एक से, एक एक रीजन, एक पेयर प्रोथोरेक्स से, एक मीजोथोरेक्स से और एक मेटाथोरेक्स से। आई बात समझ में, उसके बाद था हमारा द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेज फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम द मेटाथोरेक्स। और इसमें दो पेयर विंग्स होते हैं कॉकरोच में, ठीक है। पहला पेयर विंग कहाँ से निकलता है, मीजोथोरेक्स से। सेकेंड पेयर कहाँ से निकलता है, मेटाथोरेक्स से। आई बात समझ में, ये रीजन कौन सा होता है हमारा, एब्डोमेन। ये क्या होता है हमारा, हेड। अब आगे इसके बारे में हम देखते हैं, तो क्या है आगे, फोर विंग्स, जो मीजोथोरेसिक विंग है, फोर विंग्स कॉल्ड टेगमीना, ये क्या कहलाता है, टेगमीना कहलाता है, आर ओपेक, डार्क एंड लेदरी कवर हाइंड विंग्स, कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट, ठीक है। तो ये कैसा होता है हमारा, फोर विंग ओपेक होता है, ओपेक मीन्स कि इसका मतलब शैडो बनेगा, ये ट्रांसपेरेंट एक चीज़ होता है, ट्रांसपेरेंट एक होता है ओपेक, तो ट्रांसपेरेंट होता है जिससे कि लाइट आर पार चला जाए, और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे कि आर पार लाइट ना जा पाए। तो ये कैसा होता है, ओपेक होता है, ये डार्क होता है, और ये कैसा होता है, लेदरी होता है। और ये क्या करता है, ये हाइंड विंग को कवर करता है व्हेन एट रेस्ट, जब रेस्ट पर रहता है तो हाइंड विंग, जो पीछे वाला विंग होता है, उसको ये क्या करता है, कवर करता है, और ठीक है। और हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, ये कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं, ये कैसे थे, ओपेक थे,
ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस, ये कैसे होते हैं हैंगविंग, मेम्ब्रेनस होते हैं। फोरविंग कैसे थे, लेदरी थे, एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। और ये हैंडविंग किस काम में आते हैं, फ्लाइट के काम में आते हैं। आई बात समझ में, तो ये हमारा थोरिक्स भी कंप्लीट हो गया। और अब अभी हम स्टडी करेंगे एब्डोमेन के रीजन के बारे में, ठीक है। तो एब्डोमेन इन बोथ द एब्डोमेन इन बोथ द मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सिगमेंट्स, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों में एब्डोमेन कितने सिगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, 10 सिगमेंट्स में, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये एब्डोमेन रीजन है, ठीक। ये ऐसे 10 सिगमेंट्स में ये डिवाइडेड होते हैं। इन फीमेल द सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड, ठीक है। और जो इनका जो सेवेंथ स्टर्ना होता है फीमेल में, कैसा शेप का होता है, बोट शेप का, मतलब कुछ इस शेप का होता है, ठीक। एंड टूगेदर विथ एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्ना फॉर्म अ जेनाइटल पाउच। और सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये तीनों मिला के क्या बनाता है, हमारा जेनाइटल पाउच बनाता है, ठीक। फीमेल में कौन कौन सा स्टर्ना है, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ मिला के क्या बनाता है, जेनाइटल पाउच। हुज एंटीरियर पार्ट कंटेंस फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स और कोलेट्रल ग्लैंड। एंटीरियरली जो हमारा क्या क्या कंटेन करता है जेनाइटल पाउच, फीमेल गोनोपोर को, स्पर्मेथिकल पोर को और कोलेट्रल ग्लैंड्स को ये कंसिस्ट करता है। और ये क्या होता है स्पर्मेथिकल ग्लैंड्स, सबके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन कॉकरोचेज, ओके। फिर है हमारा इन मेल जेनाइटल पाउच आर जेनाइटल पाउच और चेंबर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। ये जो जेनाइटल पाउच होता है इसमें मेल में कहाँ पे, हाइंड एंड, मतलब कि एकदम नीचे के तरफ प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन बाउंडेड डोर्सली नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नाइन्थ और टेंथ टर्गा में डोर्सली, एंड वेंट्रली बाई नाइन्थ स्टर्ना, और वेंट्रली नाइन्थ स्टर्ना में दिखाई पड़ता है, ठीक है, इनका जेनाइटल पाउच। और इसमें फीमेल में सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ में, ओके। इट कंटेंस डोर्सल एनस, वेंट्रल मेंडल जेनाइटल पोर्स एंड गोनोपोफाइसिस। और ये क्या क्या कंटेन करता है, डोर्सल एनस को, वेंट्रल मेल जेनाइटल को, जेनाइटल पोर को और गोनोफाइसिस को कंटेन करता है, ठीक है। मेल बेयर अ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है कि ये जो एनल स्टाइल है किसमें प्रेजेंट होता है, मेल की फीमेल में, तो किसमें प्रेजेंट होता है, याद रहना चाहिए हमेशा, मेल्स में प्रेजेंट होता है, ओके। विच आर एब्सेंट इन फीमेल, और फीमेल में एनल स्टाइल एब्सेंट होता है, ओके। इन बोथ सेक्सेज द टेंथ सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई। और मेल हो या फीमेल हो, दोनों में टेंथ सेगमेंट क्या कंसिस्ट करता है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को ज्वाइन करता है, जो कि क्या होता है, एनल सर्काई होता है। ये हमारा अभी एब्डोमेन रीजन भी कंप्लीट हो गया, ठीक। तो हम नेक्स्ट अभी लेक्चर में पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, सो कनेक्टेड विथ अस, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में आप अभी स्टडी कर लीजिए एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच के बारे में, ओके। थैंक यू सो मच।